नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको माता चंद्रघंटा की पूजा विधि, पूजा मंत्र और प्रिय रंग और प्रिय भोग के बारे में बताएंगे। धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित है। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष एवं गदा धारण करती है। इनके माथे पर घंटे की आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्र घंटा कहलाती है। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। चलिए अब आपको माता चंद्र घंटा की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, फिर पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के, फिर माँ चंद्र घंटा का ध्यान करे और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करे। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माँ को प्रसाद के रूप में फल और केसर, दूध, दही से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। फिर माँ चंद्र घंटा की आरती करें। पूजा के पश्चात किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। माता चंद्र घंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माता को शहद भी बहुत प्रिय है। माता चंद्र घंटा की पूजा करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बीज मंत्र है एम श्रीम शक्तये नमः। महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। कहा जाता है कि इन मंत्रों का जाप करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है और सभी कष्टों को हर लेती है। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। इसके बाद आप अपने हाथ में एक फूल ले लें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे माँ चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए मन में बोलें और इसके बाद आप ये फूल माँ चंद्र घंटा की चरणों में चढ़ा दें। आप देखिएगा माँ चंद्र घंटा आपकी जो भी इच्छा है उसे जल्द ही पूरी कर देगी। चलिए अब हम जानते हैं इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आप आज के दिन माँ चंद्र घंटा के सामने प्रसन्न मन से घंटी या घंटा जरूर बजाएं। इसके बाद माता चंद्र घंटा आपको मनचाहा वरदान देती है। इसके साथ ही जब आप माँ चंद्र घंटा की पूजा कर रहे होंगे तो उस समय जो माँ के सामने दीपक जलाएंगे तो उस ज्योति को लगातार आपको बिना पलक झपकाए देखना है और दीपक का ध्यान करना है। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसे अपने मन में बोलिएगा। माँ चंद्र घंटा के आशीर्वाद से आपकी जो भी मुराद है वह जल्द ही पूरी होगी। चलिए अब हम सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे यह देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपनी अपनी अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए एक सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुँची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की। बोलो माता चंद्रघंटा की जय हो। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी न भूलें।